जीरो से मतलब पैदा होने के 27 साल की उम्र तक सरकार ही माता, सरकार ही पिता और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा। हिमाचल विधानसभा में गुरुवार को एचपी सुखाशिया विधेयक 2023 पास हो गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये हिंदुस्तान का पहला एक्ट है जिसे किसी भी राज्य ने पास नहीं किया। ये कानून स्टेट बजट के प्रावधान से बनाया गया। इसके लिए 101 करोड़ रुपए कोष का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाएंगे। इस योजना से 6000 अनाथ बच्चे लाभान्वित होंगे। अनाथालय के अलावा घरों पर रहने वाले बच्चे भी योजना का लाभ उठा पाएंगे। 0 से 27 साल की उम्र तक सरकार ही इनकी मात्र और पिता होंगे। सीएम ने कहा कि कोई भी बच्चा यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो उसकी पूरी फीस, पॉकेट मनी, हॉस्टल खर्चा, शैक्षणिक टूर पर बाय एयर का खर्चा राज्य सरकार देगी। कपड़ों के लिए 10,000 रूपए और स्टार्टअप के लिए भी सरकार धन उपलब्ध करवाएगी। 27 साल की उम्र के बाद जब अनाथ बच्चों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं होगी तो सरकार 3-4 बिस्वा जमीन भी उपलब्ध करवाएगी। एक्ट बनाने के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार पर इन अनाथ बच्चों का अधिकार हो गया है। जीरो से मतलब पैदा होने के 27 साल की उम्र तक सरकार ही माता, सरकार ही पिता और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा। ये योजना वो है, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, आईआईटी में निकल गया, एम्स में निकल गया, एमबीबीएस में निकल गया, बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, कोई भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है या चाहता या चाहती है, कोई भी उसको उच्च शिक्षा के लिए हम पूरी फीस देंगे। मामला एमबीबीएस की अगर 1 लाख फीस है तो वो सरकार देगी, उसके हॉस्टल की पूरी फीस सरकार देगी और 4000 रुपया पॉकेट मनी उसकी शिक्षा जब तक नहीं होती है वो भी सरकार देगी, चाहे वो पीएचडी करता है, चाहे एमफिल करता है, चाहे सब कुछ। ऐसी कोई योजना भारत सरकार की नहीं है, ये पहली योजना हिमाचल प्रदेश सरकार लेकर आ रही है। इसके अलावा कहा कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट है ये, इनको साल में एक बार जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है, बाय एयर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में घूमने का खर्चा सरकार उठाएगी। हम इस पर और आगे भी विचार करने की सोच रहे हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।